वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग BCA रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 2C को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका मैट्रिक्स पर बेस्ड है। क्या कह रहा है, इफ ए, एक आपको 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है और आपको शो करना है, शो डेट ए इज रो इक्विवेलेंट टू i3। ठीक है, आपको इसको ट्रांसफॉर्म करके i3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब पहले तो ये जानिए कि i3 क्या होता है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था i3 कुछ नहीं है बल्कि ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 3 का मतलब हो गया कि 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो आपको करना क्या है, आपको आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है कुछ इस प्रकार से कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स केवल 1 हो, बाकी सब 0 हो। ठीक है, ये आपकी कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, लेकिन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रो वाइज। ठीक है, आप कॉलम के ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराएंगे। अच्छा, इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे कि ये ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म में आ जाए। तो देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप देखिए कि सबसे ऊपर आपकी टॉप लेफ्ट में 1 आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको इनको इंटरचेंज कर लें। यानी कि आप पहला ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, R1 को इंटरचेंज करा दीजिए R2 से। R1 R2 को इंटरचेंज कराएंगे तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 1 0 3 4 -5, और ये एज इट इज 1 1 1 1 1 5, है ना। तो ये हो गया, तो ये तो आपका एक 1 तो आ गया। अब यहाँ पर आपको 0 लाना है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इस जगह इस तरीके से आपको काम करना है। तो आप क्या करें, देखिए यहाँ पर 0 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, R2 की जगह R2 -3 R1 कर लीजिए। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन आपका क्या परफॉर्म हो जाएगा, R2 की जगह आप क्या करें, R2 -3 R1। ठीक है, और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करें, सिंपल सा R3 के लिए आप क्या कर लें, R3 -R1 कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखिए पहली रो में तो आपको कुछ करना नहीं, इसको एज इट इज लिख लिया आपने। फिर सेकेंड रो में आपको क्या करना है, R2 -3 R1, R2 की जगह 3 -3 R1, यहाँ 0 आ गया। फिर 4 -3, यहाँ 1 आ जाएगा। 5 और 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, R3 -R1 करना है, तो R3 की जगह 1 और R1 की जगह 1, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 -1, 0 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 0 करेंगे तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो आपकी कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब आपको यहाँ पर 1 लाना है, तो देखिए इस रो में 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आप ऑपरेशन क्या परफॉर्म करा सकते हैं, R3 की जगह 1/5 R3 कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर इस पूरी रो में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 में किसी भी चीज का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आपकी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, यहाँ पर तो आपने कोई चेंज नहीं किया, तो 1 1 0 रहा, 0 1 -5 हो गया, और यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा आपका, ये इतनी हो गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 0 लाना है। अब देखिए यहाँ पर 0 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, R2 + 5 R3 कर लीजिए। R2 की जगह आप क्या कर सकते हैं, R2 + 5 R3 कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में तो कोई चेंज कर नहीं रहा, तो उसको एज इट इज लिख लीजिए, 1 1 0 0 0 1, ये तो आपने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर आप क्या करा रहे हैं, R2 + 5 R3, 0 + 0 0 ही हो जाएगा, R2 ये भी बन ही रहेगा। लेकिन जब -5 को 5 के साथ जब ऐड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको 0 लाना है, तो सिंपल से क्या करें, आर
माइनस आर टू कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, आर वन की जगह आप क्या कर सकते हैं, आर वन माइनस आर टू, ठीक है। तो देखिए वन में से जीरो करेंगे तो वन ही रहेगा, और वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो ही रहेगा, बाकी मैं आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो जीरो वन जीरो 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 वन, ये आपकी इक्विवेलेंट किसकी हो गई, आई थ्री के, यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आपने केवल इस पर रो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हुए इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को आपने 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा दिया, यही आपको प्रूफ करना था। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।